हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शाहिन किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ बिल्कुल ही नई रेसिपी लेके आपके पास। चिकन मसाला शेयर कर रही हूँ आज मैं आपके साथ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चिकन मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही आगे मेरे वीडियो में भी बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। पहले सबसे पहले मुझे लेना है जो इसमें चिकन लिया है मैंने, देखिए हाफ के जी चिकन मैंने चिकन लिया है। 500 ग्राम चिकन लेके धो के उसे साफ़ कर लिया है और अलग मैंने पैन भी चढ़ा दिया गया इस पर। चिकन में मुझे कुछ हल्के मसाले डालने हैं, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और उसमें मेरे 1 टीस्पून मुझे टर्मेरिक पाउडर मैंने हल्दी पाउडर डालना है और थोड़ा सा नमक मिला के मैंने चिकन को पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे पहले चिकन को मैंने फ्राई करना है। जब मैं फ्राई करके बनाऊंगी ना चिकन को, तो चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गाइस। और इसको इसका अंदर का जो कच्चा पानी है ना, पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से तीनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मिक्स करने के बाद मैंने जो पैन चढ़ाया है गैस पे, उसमें मुझे ऑयल भी डालना है। तो देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, 2 टीस्पून ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था। हार्ड गरम करने के बाद हाई फ्लेम पे मैंने सारे चिकन के पीसेस को इसमें डाल दिए। और चिकन के पीसेस डालने के बाद मुझे अच्छे से इसको चलाना है, ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है चिकन को। इतनी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, कहीं पर भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए मेरे चिकन में। देखिए मैंने अच्छे से इसको चलाया, 5 मिनट के बाद इसको पूरा अच्छे से पलट दिया है। देखिए मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखिए अब इसको हाई फ्लेम करना है। मैंने सारे चिकन को निकाल लिया फ्राई कर। मैं तेल है मैंने इसमें 2 बड़े प्याज कट कर लिए हैं और तेल को गर्म तो हो ही चुका था मेरा, और उसमें मैंने 2 बड़े प्याज कट करके इसको डाल लिया। प्याज को मुझे अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक का प्याज मुझे अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा फ्राई करके नहीं मतलब डालना है, हल्का ही फ्राई ही में इसमें सारे मसालों को मैंने डालना है। देखिए तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने मिक्सर में ग्रेट कर लिया था, तो उसको मैंने डाल दिया है। प्याज मेरा देखिए बिल्कुल हल्का ब्राउन किया मैंने एकदम। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, उसके बाद मुझे 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करना है। देखिए मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लिया। अब इसमें मसालों को अच्छे से चला देना है मुझे। देखिए मसाले को अच्छे से भून लेना है चला के अच्छे से, ताकि मसाले का तेल पूरा इसमें से अलग हो जाए। मुझे पानी नहीं डालना है अभी मसालों में, सिर्फ तेल में मुझे मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मैंने मसाले का रंग मेरा कितना अच्छा हो रहा है। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा है और मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है इसमें। स्वाद अनुसार आपको जो स्वाद का जो सही लगे, जितना स्वाद उस अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब देखिए चिकन में मैंने 1 मीडियम प्याज कट कर लिए थे, मैंने कच्चा प्याज भी डाला हुआ है। सारे फ्राई चिकन को इस मसालों में मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसालों से मिक्स कर लेना है। देखिए सारे मसालों में मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए हमने पानी अभी तक नहीं डाला है फ्रेंड्स। यही चीज़ मेन है कि पानी के बिना चिकन को बनाएंगे ना, सिर्फ ऑयल में बनाएंगे ना, वो चिकन का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा फ्रेंड्स। देखिए तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना है। देखिए मैंने चला दिया है और चलाने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। देखिए इसका तेल कैसे अलग से छोड़ रहा है। और इसी तेल में ये देखिए 1 टीस्पून मैंने अब गर्म मसाला पाउडर डाला है, जो कि मैंने उस वक्त नहीं डाला था, इसे मुझे अभी डालना है। अब गरम मसाला पाउडर डालने के बाद मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए गाइस और मेरा चिकन में अपने आप ही पानी छोड़ा है हल्का सा। अब मुझे देखिए इसमें 1 कप पानी डालना है, मैंने 1 बॉल के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया, जिससे मेरा चिकन लगभग इतने में गल जाएगा। तो इतना पानी डालने के बाद मुझे अच्छे से चला देना है और चलाने के बाद इसको कवर कर देना है। 10 मिनट कवर करने के बाद गाइस हमको इसको खोल, मैंने 10 मिनट मैंने कवर कर दिया है। अब देखिए 10 मिनट मेरा हो चुका है गाइस। अब इसको ओपन करके मुझे देखना है कि मेरे चिकन में पानी कितना है। अभी भी मेरा चिकन में पानी है, फिर भी मुझे इसमें इसको चला देना है, वरना नीचे जो लग जाएगा ना तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो गाइस मुझे इसको चलाते रहना। वैसे मेरा ऑयल देख रही है कितने अच्छे तरीके से चिकन में पूरा नज़र आ रहा है साइड साइड में, तो मुझे इसको इससे चला देना है, चलाते रहना है बीच बीच में। नहीं चलाने से नीचे अगर लग जाएगा तो मतलब जो सालन का टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको चलाते रहना है। चलाते चलाते पकाना है इसको धीमी आंच पे। देखिए मेरा तेल बिल्कुल अब मेरा लगभग 90% मेरा चिकन कुक हो चुका है गाइस। तो 90% कुक हो चुका। थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे एकदम फ्राई करना है, मतलब भून लेना है धीमी आंच पे। देखिए अब मेरा चिकन लगभग पूरा 99% तक पूरा कुक हो चुका है गाइस। तो मैं अब इसको सर्व कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा तेल मैं इसको निकाल ले रही हूँ और देखिए साइड में, अब देखिए चिकन मेरा पूरा मसाला अच्छे से ये हो चुका है। अब देखिए गाइस मैं इसको सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, मैंने फ्राई कर लिया है चिकन को तो इसका कलर कितना अच्छा आया है। देखिए अब इसको चावल और दाल के साथ आप
सिर्फ चिकन या ऐसे भुना मसाला खा सकते हैं। और घर में इसको ट्राई करके मेरी रेसिपी को ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये खाने में, और कैसा मैंने आपको बना के दिखाया, इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया। और गाइज, अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अपनी फिर नई वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।